अक्सर लोग मुझसे यही पूछते हैं कि हमारी जो तुलसी है वो सूख क्यों जाती है। इसका एक एक ही रीजन है, फर्स्ट रीजन है कि इसमें ओवर वाटरिंग कभी ना करें, कभी भी। लोग पूजा करते हैं इसमें, रोजाना जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाइए, लेकिन उतना ही चढ़ाइए जितना कि उसे नीड है, उसे थोड़ा ही दीजिए। बाकी का आप और पौधे में भी चढ़ा सकते हैं, ऐसा तो नहीं उसी में चढ़ाना हो। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट है कि आपको अपनी तुलसी को घना कैसे करना है, इसका एक ही रीज़न है जो कि मैंने इसमें अपनाकर इस तुलसी को घना किया है। इसमें आपको बस एक छोटा सा काम करना है, एक छोटा सा, कि जो इसकी मेन ब्रांच जो होती है, जैसा कि मैं आपको बता दूँ, जो कुछ दिनों पहले मैंने कट की थी, जो इसकी जो मेन ब्रांच है ना, वो आपको यहाँ से इस तरीके से आपको कट कर देनी है, जो कि मैंने इसमें की थी। इसे जैसे कि हमारे पास एक है मौजूद, इसमें अभी जो न्यू लीव्स हैं वो निकले हुए हैं, आप उनको यहाँ से कट कीजिए इस तरीके से। जो मेन ब्रांच होती है उसको कट कर देना है, उसको डेफिनेटली हटा देना है। उसके बाद में देखिए, आप जो हमारी मेन ब्रांच होती है उसको तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, दूसरा ट्रिक है हमारा है हल्दी, जो कि है हल्दी। हल्दी को, हल्दी से हमारे दो बेनिफिट हैं। एक तो इसमें जो हल्दी हम इसमें डालेंगे, जो हमारी फंगस है वो नहीं लगेगा। इसका एक और है कि जो हमारी हल्दी होती है ऐसे लेकर, और उसको जो मेन ब्रांच हमने जो अभी पिंचिंग की है ना, उस पर ऐसे लगा देना, जिससे कि इस पर फंगस नहीं लगेगा। इस तरीके से आप एक मेन ब्रांच पे लगाने के बाद में आपको क्या करना है नेक्स्ट है हमारा, कि इसमें जो हमारी जो मिट्टी होती है, इसमें आपको ये हल्दी पाउडर इस तरीके से डाल देना है, जिससे होगा ये कि इसमें जो फंगस लगेगा वो नहीं लगेगा। ठीक है, आप इसमें इसे 1 वीक में एक बार तो डाल ही दें, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा मिला दें, और जो इसमें सूखे जो आपको पत्ते दिखे उन्हें हटा दें। और गाइस, तीसरा है हमारा कि जो हमारी जो तुलसी होती है, जो भी कोई भी प्लांट हो वैसे, तो उसको जो जो भी नीचे जो लीव्स होती हैं उन्हें निकाल दें। इससे कि जो भी इसे हमारी जो प्लांट को नीड होती है जितनी कैल्शियम की, वो हमारी सीधी मेन ब्रांच पर जा सके। अगर यहाँ पे ये पत्ते रहेंगे तो वो ऊपर नहीं जा पाती है और वो नीचे रह जाती है, जिससे कि हमारी जो ऊपर जो लीव्स होती हैं उन्हें एनर्जी मिलनी चाहिए, वो उन्हें नहीं मिल पाती पूरे तरीके से। इस तरीके से आपको ये निकाल देनी है। बस ये तो थे हमारे कुछ टिप्स जो जिससे कि आप अपनी तुलसी को घना कर सकते हैं। इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक।